नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल और उनकी पत्नी वंदना सहगल ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। सिविल अस्पताल के कोविड सेंटर में उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोविड वैक्सीन लगाने की भी अपील की है। उन्होंने अपील की है कि वैक्सीन लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए। सुल्तानपुर में बार एसोसिएशन के एक शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसकी खुशी में ये आयोजन किया गया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चक्रधारी सिंह की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में वहां शामिल हुए। वहीं इस दौरान बार एसोसिएशन ने कई सीनियर अधिवक्ताओं को भी सम्मानित किया। दरअसल हमारी सरकार ने अदालतों में जो मुकदमे बढ़ रहे हैं उसके लिए कई गंभीर प्रयास किए हैं। हमने बड़ी संख्या में जो छोटे मुकदमे थे, जैसे कोविड उल्लंघन के थे, 188 के थे, ऐसे लगभग 2.5 लाख मुकदमों को हमने समाप्त किया है। और बड़ी संख्या में जो राजनीतिक दृष्टि दर्ज मुकदमे थे उनको वापस लिया है। इसके अलावा हमने नई कोर्ट्स का भी गठन किया है, नई जजेज की भी नियुक्ति की। जो भी रिक्त पद थे, हमने लगभग 610 पद सिविल जज जूनियर डिवीजन के भरे हैं इसी सरकार में। 100 पद सेशन जज के भरे हैं, 100 पद हमने सिविल जज सीनियर डिवीजन के भरे हैं। हमने 13 नए कमर्शियल कोर्ट खोले हैं, 110 नई पारिवारिक अदालतें खोली हैं। इसके अलावा सभी जो हमारे एक्ट हैं, जैसे NDPS है, मोटर व्हीकल एक्ट है, सबके लिए अलग से कोर्ट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी का उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा बयान आया है। कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आगरा में पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, इस घटना से साफ तौर पर जाहिर होता है कि लोगों के अंदर कानून का भय खत्म हो चुका है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और यही मेरा उद्देश्य है। प्रतापगढ़ के DM नितिन बंसल, SP आकाश तोमर पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार अभियान चलाकर शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है, इससे हमें आशा है कि आप दोनों लोग पूरे जनपद में क्राइम को खत्म करके एक नया रूप देंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं। उत्तर प्रदेश भगवान भरोसे है, कहते हैं राम राज है, लेकिन यहाँ राम नहीं है, यहाँ अराजकता का राज है। रोज कल की घटना में देख रहा था, आगरा में एक पति पत्नी जा रहे थे, पति को बंधक बना के पत्नी के साथ तीन लोगों ने खुलेआम बलात्कार किया जी। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह हिली। मुझे भरोसा है प्रतापगढ़ में नए DM पर, नए SP पर अभी आए हैं, उनको समय मिलना चाहिए। जिस तरह आज कुंडा में रेड किया, यहाँ किया, वहाँ किया, मुझे भरोसा है कि शायद ये लोग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। रामपुर में पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान होना है और इसी वजह जिले में आज से नामांकन प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है। जिला पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधान वार्ड मेंबरों के लिए उनके ब्लॉक में नामांकन किया जा रहा है। अभी तक 80 प्रत्याशी अपना नामांकन भर चुके हैं और इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं DM ने बताया कि आज से नामांकन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ हमारे सभी RO और ARO मौके पर मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 3 स्क्वायर में बैरियर लगाए गए हैं, पूरी रोड ब्लॉक कर रखी है। आधी एडमिटर एक अलाउड है, लेकिन 7 किलो आरोन को वहीं पर रोक के फिर चेक करके वापस कर रहे हैं। साथ में इससे पहले भी जो बैरियर लगा है उस पर सबकी जितनी भी नॉर्मल चलते चलते उनकी भी चेकिंग चल रही है, गाड़ियों में चेक करी जा रही है, कोई लीगल असला या अवैध सामग्री लेके तो नहीं मिलता। इस चीज़ के लिए हमने टीम कितना अभी RCO के नामांकन स्टार्ट होना था, सारी व्यवस्थाएं हमने पहले से ही पूरी प्रबंध कर दिए थे और कल शाम को ही हमने सभी अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया था और सारे हमारे RO ARO मौके पर हैं और सही प्रकार से उचित प्रबंध किए गए हैं। 3 काउंटर बनाए गए हैं, टोटल हमारे जो वार्ड हैं उनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है और जो सॉफ्टवेयर वगैरह में फीडिंग होनी थी पर्याप्त व्यवस्थाएं यहाँ पर है। अभी चूँकि भीड़ कम है तो जो मैनेजमेंट के हिसाब से हमने और SSP साहब ने यहाँ पे दौरा कर लिया है और जो 100 मीटर का
सीतापुर पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। आपको बता दें कि आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए एसपी आरपी सिंह ने अपराध नियंत्रण अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत अवैध असलहों की रोकथाम के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। वहीं इस दौरान पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने उनके पास से 15 अदद तमंचे और 14 कारतूस समेत हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। रामपुर पटवाई थाना क्षेत्र के गांव रहटगंज में ग्रामीणों ने एकजुट होकर मतदान बहिष्कार के नारे लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि हम ग्रामवासियों को मतदान करने के लिए ग्राम पंचायत लालपुर पट्टी कुंदन जाना पड़ता है, जिसकी दूरी गांव से 7 किलोमीटर के लगभग है। जब से मतदान का अधिकार मिला है तब से अब तक मतदान के लिए 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही अन्य ग्रामीणों ने मीडिया के सामने मतदान को लेकर समस्याओं से अवगत कराया। प्रदर्शन में गांव के तमाम लोगों के साथ ही महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शन में सभी ग्रामीणों ने बूथ को गांव में ही बनवाने की मांग की। वहीं बूथ न बनने की स्थिति में उन्होंने चुनाव बहिष्कार करने की भी बात कही है। तो रामपुर से यह मामला सामने आया, जहां एक और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, वहीं रामपुर में एक गांव में चुनाव बहिष्कार के नारे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि तस्वीरों में ये दिख रहे लोग पोलिंग बूथ को लेकर मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अगर उनके गांव के पास बूथ नहीं बनाया गया तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दरअसल इस गांव के लोगों को चुनाव में मतदान करने के लिए 7 किलोमीटर की दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है। वहीं लोगों ने इस बार प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर बूथ उनके गाँव के पास नहीं लगाया गया तो वह अपने वोट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी वहां से रेडगंज से 6-7 किलोमीटर की दूरी है। वहां मतलब बच्चे भी परेशान होते हैं, लेडीज भी परेशान होती हैं। आधे वोट पढ़ पाते हैं, आधे नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, तो गांव में बूथ नहीं है? नहीं। फिर तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव में बूथ बने। अच्छा, और बूथ नहीं बनता है तो बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालने जाएंगे। हम अपने गांव में बूथ बनवाना चाहते हैं। हमें बहुत परेशानी होती है, 6-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है वोट डालने के लिए। कोई काम छोड़ के जाता है, कोई नहीं जाता है। आधे वोट पढ़ पाते हैं, आधे नहीं पढ़ पाते हैं। रामपुर में मिस्टनगंज इलाके में मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं आग से जलकर दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। साथ ही लोगों ने पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी। इसी के साथ घटनास्थल से भी लोगों को हटाया जा रहा है। तो रामपुर से यह आगजनी का मामला सामने आया, जहां एक मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं आग की वजह से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने शातिर चोरों के कब्जे से जेवरात और अन्य सामान भी बरामद किया है। इस बात की जानकारी डीसीपी पूर्वीय संजीव सुमन ने प्रेस वार्ता कर दी है। आपको बता दें कि 40 घंटे में डीसीपी पूर्वीय संजीव सुमन के नेतृत्व में घटना से पर्दा उठाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने राजधानी की कई ज्वेलर्स की दुकानों को अपना निशाना बनाया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। थाना गोमती नगर विस्तार में 2 घटनाएं अभी हाल में प्रकाश में आई है। ये टप्पेबाजी घटना है जिसमें एक गैंग ऑपरेशनल था। 2 अलग अलग जगहों पे 2 सुनार के ज्वेलर्स के शॉप पे लोग जा करके ग्राहक बन के, फर्जी ग्राहक बन के वो चीजें सामान देखते थे। इसी बीच में वो सोने की चीजें चोरी कर लिया करते थे। पुलिस ने इसमें 2 मुकदमा पंजीकृत किया, उसके बाद तफ्तीश की जा रही थी, उसे तलाश की जा रही थी। आज हमें सफलता प्राप्त हुई है, जहां पे जिला हरदोई से 3 लोग, जिला हरदोई के 3 लोग। कानपुर में एक 81 वर्षीय वृद्ध महिला चुनावी मैदान में उतरी है। बताया जा रहा है कि वृद्ध महिला कानपुर के चौबेपुर विकास खंड की रहने वाली है और वहां पर
सरकार के कोई भी विकास कार्य नहीं होने से वे नाराज थी, जिसके बाद अवरुद्ध महिला ने इलाके के पंचायत चुनाव में नामांकन कराया है। तो पंचायत चुनाव में इस तरीके की खबर सामने आई, जहां 81 वर्षीय महिला इस बार प्रधानी चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी है। आपको बता दें कि वृद्ध महिला गांव में विकास न होने से परेशान थी, जिसके बाद आज उन्होंने ये कदम उठाया है। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया के लिए हरदोई में जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान कोविड की गाइडलाइन का भी पालन कराया गया। किसी को भी बिना मास्क के नामांकन स्थल पर जाने की छूट नहीं दी गई। जिले के 1306 ग्राम प्रधान पद व 72 जिला पंचायत सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा नामांकन स्थल का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। बदायूं में हाईकोर्ट ने भ्रष्ट सीएमओ के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें दोषी ठहराया था और उन्हें पद से हटाने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद भी विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और उन्हें पद से नहीं हटाया गया। कोर्ट और राज्यपाल की आज्ञा देने के बाद भी सीएमओ को पद से नहीं हटाया गया। वहीं भ्रष्ट सीएमओ अब पद पर रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों को हटाने के मामले में फंस गए हैं, लेकिन सीएमओ द्वारा विभाग में भी अपने साठ गांठ करके मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सर मामला यह है, हम लोग अपनी प्रति आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी 150 हैं लगभग बदायूं जिले में, 27 माह से कार्य कर रहे हैं और हम लोगों को 16 माह का वेतन दे दिया गया है। हम लोग 12 माह से वेतन के लिए भटक रहे हैं और सीएमओ साहब ने हम लोगों को 27 तारीख को बिना शासन आदेश के ही अनुमति के हम लोगों को निकाल दिया है और हम लोग इधर उधर अपने बच्चों को माध्यम से कोविड-19 जैसी महामारी में भी ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोगों को वेतन देने के नाम से सीएमओ साहब ने फर्जी बताकर बाहर कर। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में विवाहिता को प्रेमी के साथ घर वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद घर वालों ने प्रेमी को बिजली के खंभे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। प्रेमी की पिटाई का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरी घटना के बाद विवाहिता ने परिजनों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली में क्षेत्राधिकारी सगड़ी अजय यादव के को सारे अधिकारियों द्वारा विदाई दी गई। वहीं इस विदाई समारोह में रोनापार थाना प्रभारी तारकेश्वर राय ने क्षेत्राधिकारी के कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों और बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सब लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें और विभाग में जो भी चुनौतियां हैं उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। पुलिस का कार्य पब्लिक को के साथ मिलकर काम करना है, जिससे कि पब्लिक की समस्त शिकायतों को दूर किया जा सके। यही नहीं, अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाना चाहिए। औरैया में अज्ञात चोरों ने बड़े शातिराना अंदाज में बैंक में चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन चोरों की यह कोशिश नाकाम हो गई। चोरों ने बैंकों के पीछे दीवार के जरिए वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। घटना की जानकारी फिलहाल पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर इलाके का जायजा लिया। वहीं इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने टीमों का गठन कर जांच के आदेश दे दिए। कोतवाली क्षेत्र में कुखौतू कॉलोनी में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पर एक असफल प्रयास किया गया है चोरी का, और चूँकि हमारी पीआरवी 10-15 वहाँ पर ड्यूटीरत रहती है, तो उस पीआरवी के कारण संभवतः ये लोग जो चोरी थी उसको पूर्ण नहीं कर पाए हैं, परंतु इनके द्वारा प्रयास अवश्य रूप से किया गया है। इस संबंध में हमारी जनपदीय एसओजी है और साथ में जो लोकल थाने की टीम्स हैं उनको गठित कर दिया गया है और जो भी लोग इस असफल प्रयास करने में सम्मिलित रहे हैं उन सभी पर जल्द से जल्द उनको पकड़। आगरा में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि यहां पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए
नामांकन चल रहा है और सभी प्रत्याशी अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में नामांकन के दौरान सभी लोग कोरोना के नियमों का पालन करते नहीं दिखाई दिए। मैनपुरी में जिला पंचायत को लेकर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही में पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मैनपुरी पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया है। अपर पुलिस अधीक्षक मधुवन कुमार और क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से चलाई जा रही शस्त्र फैक्ट्री पर छापा मारा गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये पंचायत चुनाव को लेकर मैनपुरी पुलिस काफ़ी सक्रिय है। इसी क्रम में आज थाना किसनी पे कई दिनों से मुखबिर की सूचना पे और हमारे व्यक्तिगत इंटेलिजेंस के आधार पे इस अपराधी के खिलाफ हम लोग लगे हुए थे। इसके ऊपर 15 मुकदमे हैं, इसमें हत्या के हैं, 307 के हैं, आबकारी के हैं। इसके पूर्व में भी एक बार ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री में हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पारा गांव में एक नाबालिग छात्रा की मौत हो गई। छात्रा छेड़छाड़ से परेशान थी और 4 दिन पहले आत्मदाह की कोशिश कर चुकी थी, जो गंभीर रूप हालत में कानपुर के उर्सला अस्पताल में भर्ती कराई गई थी, जहां 4 दिन तक इलाज चलने के बाद आज उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सुमेरपुर के पारा गांव से कल सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर मारपीट हो रही है 12 बजे के आसपास। पुलिस उसी गांव में भ्रमणशील थी होली के मद्देनज़र। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, पता चला एक 14-15 साल का लड़का जो 9th क्लास में पढ़ता है, उसको 3 लोग उसके साथ मारपीट कर रहे थे। पुलिस द्वारा झगड़ा को बचाया गया और पूछा गया कारण, तो उन लोगों ने बताया कि मेरी लड़की को ये लड़का परेशान करता है। पुलिस ने बताया कि पहले शिकायत करनी चाहिए, आप तहरीर दो, मुकदमा लिखाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मुकदमा नहीं लिखाना है, दोनों लड़के लड़की नाबालिग हैं, इसलिए लड़के को डांट डपट दीजिए और हमें कोई कार्रवाई नहीं करानी है। जो लोग मारपीट कर रहे थे वो लड़की के मामा, लड़की का भाई और लड़की की माँ थे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा दिया कि मारपीट मत करिएगा, कोई शिकायत हो पुलिस में शिकायत करिए, कार्रवाई की जाएगी विधिक कार्रवाई। वो लड़की आज 8 बजे सुबह अपने घर में मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर आग लगा लिया उसने। इलाज के लिए उसे हमीरपुर जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची, उसका लड़की का बयान लिया गया। लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष भी हो गया है और लड़की को यहां से रिफर कर दिया गया इलाज के लिए। आजमगढ़ के जियनपुर थाना क्षेत्र के ओलमापुर गांव के दलित बस्ती में एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। युवक मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गढ़वल का निवासी था, जो ओलमापुर अपने बुआ के घर आया था। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर एक अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।